वेनिस शहर का नाम सुनते ही आपके दिमाग में इमेजेस आती होंगी वहां के कैनाल्स की, उन पर तैरती गोंडोला बोट्स और एक रोमांटिक सा माहौल। लेकिन जरा सोचिए कि दुनिया के सबसे रोमांटिक शहर के कैनाल्स में पानी ही ना रहे। इटली के वेनिस शहर के बाशिंदों के लिए ये केवल एक इमेजिनेशन ही नहीं बल्कि हकीकत बन चुकी है, क्योंकि पिछले कई सालों से वहां पर ड्रॉट की समस्या बढ़ती जा रही है। शहर का ज्यादातर रेवेन्यू टूरिज्म और इन कैनाल्स पर निर्भर है, तो वहां के नागरिकों की चिंता लाजमी है। इस करंट ड्रॉट के पीछे रीजन बताया जा रहा है कि एल्प्स के पहाड़ों 50% कम बर्फबारी हुई है। जो इटली की सबसे लंबी नदी है और वेनिस के लगून्स में पानी पहुंचाती है, उसकी कैरिंग कैपेसिटी 61% कम हो चुकी है। इसीलिए ना केवल वेनिस बल्कि आसपास के फार्मिंग सेक्टर को भी 2 बिलियन यूरोस का नुकसान पहुंचा है। दोस्तों, आश्चर्य की बात यह है कि वेनिस को ड्रॉट से ज्यादा खतरा बाढ़ से है और अक्सर वेनिस पानी में डूब जाता है। फ्लडिंग से वेनिस को बचाने के लिए 78 फ्लडगेट्स का मोसेस प्रोजेक्ट भी कंस्ट्रक्ट किया है, लेकिन अफसोस है कि ये गेट्स वेनिस को सूखने से नहीं बचा सकते।